दोस्तों पिछले कुछ दिनों से ना मेरा लेवल काफ़ी डाउन चल रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि आज लेवल काफ़ी अप जाने वाला है, क्योंकि शाओमी ने हमें एक बॉक्स सेंड किया जिसके ऊपर लेवल अप की ब्रांडिंग है, और देखने के अंदर भी ये वाला बॉक्स काफ़ी मुझे कूल और एक्साइटिंग लग रहा है। तो हम लोग इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि भाई हमारा लेवल किस तरह अप होता है। तो हम लोग यहाँ से इसको ओपन करेंगे। ऑलराइट, तो जैसे ही मैंने लिड को ओपन किया, यहाँ पर लिखा हुआ डू नॉट पुश, लेकिन हम लोग इसको डेफिनेटली पुश करेंगे, पुश किए बगैर हम लोग रह नहीं सकते। तो मैं एक से तीन तक गिनूंगा, उसके बाद इसको मैं पुश करूँगा, देखते हैं कि भाई क्या होता है। 1 2 3 वाह, ओ माय गॉड, भाई बॉक्स को ओपन करते ही मेरा तो लेवल डेफिनेटली अप हो चुका है, आप लोग यहां पर देख सकते हो। लेकिन इस बॉक्स के अंदर मजीद शाओमी ने हमें सेंड आउट किया है उनकी लेटेस्ट डिवाइस जो कि है Redmi 10, और इस फोन के साथ आप लोगों का भी जो लेवल है वो डेफिनेटली अप होने वाला। आज हम लोग इसको अनबॉक्स करेंगे, मेरे जो फर्स्ट इंप्रेशन है आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, और देखेंगे कि भाई किस तरह शाओमी ने स्मार्टफोन के थ्रू आप लोगों का जो लेवल है वो अप करना है। लेकिन अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। शेयर मैंने सबसे पहले बॉक्स के ऊपर लगी हुई पैकिंग को रिमूव कर लिया, और बाहर हमें मिल जाता है हमारा वारंटी कार्ड। जहां तक बात है बॉक्स के फिजिकल ओवरव्यू की, तो हमें ये टिपिकल Redmi की 10 सीरीज जैसा ही देखने को मिल जाता है। फ्रंट के ऊपर फोन बना हुआ, ज्यादा डिटेल मेंशन नहीं की गई। नीचे वाली साइड के ऊपर में इसकी जो स्टोरेज है उसका वेरियंट देखने को मिल जाता है। मेरे पास जो वेरियंट है वो 6 GB रैम के साथ 128 GB वाला वेरियंट है। इसके अंदर आप लोगों को दो वेरियंट देखने को मिलते हैं, एक आता 4 GB 128 के साथ, जिसकी प्राइस पाकिस्तान के अंदर 30,000 है, जो कि सिर्फ आप लोगों को ऑनलाइन मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक 6 GB रैम के साथ 128 GB वाला वेरियंट भी है, जिसकी प्राइस 33,000 है, जो कि आपको सिर्फ ऑफलाइन मार्केट के अंदर ही देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बॉक्स के कंटेंट्स की बात करते हैं, तो बाहरी आप लोगों को जो सिम पिन है वो देखने को मिल जाते हैं बुकलेट के अंदर। इसके अलावा हमें मजीद पेपर वर्क प्रोवाइड किया गया, जिसको हम लोगों ने कभी रीड तो करना नहीं होता। यहाँ पर जो यूजर गाइड है सारे पेपर वर्क प्रोवाइड किए गए। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा केस। इसके अंदर हमें एक केस भी प्रोवाइड किया गया, जिसकी जो क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लग रही है। इतना खास ज़्यादा हार्ड नहीं है और सॉफ्ट भी नहीं है, काफ़ी एवरेज टाइप का मुझे केस लगा। और यहाँ पर आप लोगों को नीचे वाली साइड के ऊपर जो प्रोटेक्शन है ना वो भी देखने को मिल जाएगी। ये चीज़ मैंने नोटिस किया है ना कि ये वाली जो प्रोटेक्शन है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि फ़ोन के अंदर काफ़ी ज़्यादा डस्ट चली जाती है। इसके अलावा हम लोग मजीद बॉक्स के अंदर देखते हैं, तो भाई हमें मिल जाती है हमारी डिवाइस नीचे पड़ी हुई, जिसको हम लोग एक साइड के ऊपर करते हैं। भाई इसका जो कलर है ना वो काफ़ी ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट किया है, जैसे मैंने इसको बॉक्स से बाहर निकाला है इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक किया है, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। इसका जो वेट है मुझे काफ़ी ज़्यादा लाइट लग रहा है। मजीद अगर हम लोग बॉक्स के अंदर देख लेते हैं, तो हमें मिल जाती है हमारी चार्जिंग की केबल, जो कि होपफुली USB टाइप सी ही होगी। भाई निकला बाहर किधर से, ये बाहर निकलेगी, काफ़ी ज़्यादा वो अंदर फंसी हुई है, मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ से बाहर निकलेगी। तो फाइनली निकल चुकी हुई है, USB टाइप सी की केबल है। इसके अंदर हमें किसी किस्म का कोई भी एसेंट देखने को नहीं मिलता। नॉर्मली हमें जो अंदर से ऑरेंज और रेड टाइप की फील आ रही होती थी, यहाँ पर वैसा कोई सीन नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं चार्जर की, तो इसके अंदर हमें जो चार्जर प्रोवाइड किया गया उसके अंदर मैक्सिमम रेटिंग मिलती है 22.5 वाट की, लेकिन ये वाला फ़ोन 18 वाट को सपोर्ट करता है। काफ़ी एक अच्छी चीज़ है कि आपको एक्स्ट्रा पावर शाओमी ने प्रोवाइड कर दी हुई है। अब टेबल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मैस हो चुका है, इन सारी चीज़ों को हम लोग करते हैं साइड के ऊपर, और हम लोग आते हैं हमारी डिवाइस की तरफ, जिसके ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ है, जहाँ पर फ़ोन की जो सारी स्पेसिफिकेशन है उनको मैंशन किया है, जिनके बारे में हम लोग डेफिनेटली वीडियो के अंदर आगे चलकर बात करते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर लगी हुई मैं पैकिंग को रिमूव कर लेता हूँ। ये वाला जो पार्ट होता है ये काफ़ी ज़्यादा मेरा फेवरेट है, काफ़ी मुझे अच्छा लगता है, काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री होता है। इसके मजीद नीचे हमें एक और स्टिकर लगा हुआ देखने को मिल जाता है, हम लोग इसको भी रिमूव कर लेते हैं। ओके जी, तो हमारे जितने भी स्टिकर्स थे वो रिमूव हो चुके हैं, जल्दी से मैं फोन को पावर ऑन कर लेता हूँ। अगर हम फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं, तो राइट साइड के ऊपर पावर बटन प्लस फिंगरप्रिंट स्कैनर को इंटीग्रेट किया गया, उसके ऊपर वॉल्यूम रोकर कीज, टॉप साइड के ऊपर सेकेंडरी माइक प्लस सेकेंडरी स्पीकर की ग्रिल मौजूद है, क्योंकि इसके अंदर में स्टीरियो स्पीकर्स प्रोवाइड किए गए हैं, IR प्लास्टर और हेडफोन जैक की पोर्ट, लेफ्ट साइड के ऊपर सिम ट्रे और नीचे वाली साइड के ऊपर मेन माइक चार्जिंग की पोर्ट और स्पीकर ग्रिल मौजूद है। जल्दी से मैं फोन को एक्टिवेट कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग इसके बारे में मजीद डिटेल के अंदर बात करते हैं। ओके जी, तो फाइनली हमारा Redmi 10 यहाँ पर हो चुका हुआ। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसकी बिल्ड और इसका डिजाइन के बारे में, तो फ्रंट के ऊपर हमें पंच होल प्रोवाइड किया गया सेंटर के अंदर। इसके अलावा अगर हम आते हैं इसकी बैक साइड के ऊपर, तो इसका बैक साइड के ऊपर जो डिजाइन है ना कैमरा का, ये अभी रिसेंटली शाओमी ने हमें पोको X3 GT के अंदर भी प्रोवाइड किया था, जो कि आप समझ सकते हो कि काफी एक अपर टाइप की रेंज का एक डिजाइन है, देखने के अंदर काफी कूल लगता है। और बैक साइड के ऊपर इसकी जो शाइन है वो काफी ज्यादा मुझे अट्रैक्टिव लग रही है, आप लोगों को काफी ये पसंद आएगी। अगर आप लोगों को ग्लोइंग टाइप के जो डिजाइन है वो पसंद आते हैं, तो ओवरऑल इसकी जो हैंड फील है और इसका जो डिजाइन है मुझे लगता है कि शाओमी ने काफी ज्यादा इंप्रूव किया है। एक चीज आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो हमें लेवल अप की ब्रांडिंग शाओमी ने दी ना, इस दफा जो टैगलाइन दी है, उसका बेसिकली मकसद ये है कि अगर हम लोग इस स्मार्टफोन को कंपेयर करते हैं ना पीछे जनरेशन के Redmi 9 के साथ, तो आप लोगों को हर चीज के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। मेरा जो प्रिंट है वो ठीक से आया नहीं, लेकिन आप लोग यहां पर पिक्चर को देख सकते हो, सारी की सारी चीजों को अप किया गया, इसी वजह से शाओमी ने इसकी जो टैगलाइन है वो लेवल अप रखी है। अगर हम लोग इसके डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, तो फ्रंट के ऊपर में प्रोवाइड किया गया 6.5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले, और यहां पर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश
है, शेड भी मौजूद है जो कि अडाप्टिव सिंक टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसका मतलब यह है कि आपका जो डिस्प्ले है वो 45 हर्ट्ज़, 60 हर्ट्ज़ और 90 हर्ट्ज़ के दरमियान में वेरी करेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप उसके ऊपर क्या चीज़ यूज़ कर रहे हो। इससे आपकी जो बैटरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बचती है। ये वाली चीज़ हमें पीछे वाली जनरेशन के अंदर देखने को नहीं मिलती थी। और जहाँ तक बात है डिस्प्ले की क्वालिटी की, तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लग रहा है, कलर्स काफ़ी एक्यूरेट और वाइब्रेंट लग रहे हैं, और यहाँ पर जो बेजल्स और चिन्ह है वो भी काफ़ी ज़्यादा मिनिमलिस्टिक टाइप के हैं। तो डेफिनेटली डिस्प्ले के मामले के अंदर तो एक लेवल अप हुआ ही है। अगर हम लोग कैमरास की बात करते हैं तो फ्रंट के ऊपर हमें मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। यहाँ पर मैं एक पिक्चर को क्लिक कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे सकूँ कि भाई जो पिक्चर की क्वालिटी है वो किस किस्म की निकल के आती है। ओके जी, तो अभी मैंने यहाँ पर पिक्चर को क्लिक किया, जो डिटेल है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा मिल रही है, जो कलर्स की रिप्रोडक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एक चीज़ आप लोग यहाँ पर नोटिस कर सकते हो कि मेरी जो शर्ट है वो भी वाइट है और बैकग्राउंड के ऊपर जो कलर है वो भी वाइट है। इसने दोनों कलर्स के दरमियान में जो डिफरेंस है उसको मिस नहीं किया, क्योंकि जो दोनों वाइट है वो थोड़े बहुत डिफरेंट है, तो आप लोगों को कलर्स की जो रिप्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। इसके फ्रंट वाले कैमरे को हम लोग डेफिनेटली चेकआउट करेंगे हमारी जो फुल रिव्यू वाली वीडियो होगी उसके अंदर। इसके अलावा फ्रंट वाले कैमरे के अंदर में पोर्ट्रेट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं बैक वाले कैमरा की, तो भाई बैक साइड के ऊपर Xiaomi ने काफ़ी ज़्यादा एक लेवल अप किया है। आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर प्रोवाइड किया गया, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मौजूद है। अब यहाँ पर एक और मैं पिक्चर को क्लिक कर लेता हूँ ताकि हम लोग इसके जो बैक वाले कैमरा है उसकी भी थोड़ी सी क्वालिटी को एनालाइज कर सकें। सो यार अभी जो पिक्चर निकल के आई ना मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लग रही है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लाइट आ रही है ना वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। इसने काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह उसको मैनेज किया, काफ़ी एक डिफिकल्ट सिचुएशन थी, ब्राइट लाइट है लेकिन जो लाइट की डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो भाई पिक्चर मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लग रही है। अगर आप लोग कहोगे तो इसके कैमरा का हम लोग फुल रिव्यू भी चैनल के ऊपर कर लेंगे। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको कैमरा को टेस्ट आउट करने के लिए, क्योंकि अभी तक इस रेंज के अंदर मुझे लगता है कि ये पहला फ़ोन है जो कि 50 मेगापिक्सल के सेंसर के साथ है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुछ दूसरे फीचर्स के कैमरा के अंदर, तो आप लोगों को पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाता है, नाइट मोड का ऑप्शन भी यहां पर मौजूद है, पैनोरामा स्लो मोशन टाइप के जितने भी ऑप्शंस हैं मिल जाते हैं। अगर हम बात करते हैं वीडियो की क्वालिटी की, तो बैक वाले कैमरे के अंदर आप लोगों को मैक्सिमम जो वीडियो का ऑप्शन मिलता है वो 1080p का मिलता है 30fps के ऊपर। तो इसके बैक वाले कैमराज को भी हम लोग डिटेल के अंदर चेक करेंगे हमारी रिव्यू वाली वीडियो के अंदर। इसके बाद एक और चीज जहां पर Xiaomi ने डेफिनेटली लेवल अप किया वो है इसका प्रोसेसर। ये पहला फोन है पाकिस्तान का जिसके अंदर हमें मीडियाटेक का हेलियो G88 प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है। अब ये एक एडवांस वर्जन है एज टू G85, इसकी परफॉर्मेंस को हम लोग डेफिनेटली टेस्ट करेंगे, लेकिन अभी तक के लिए इस फोन की जो परफॉर्मेंस है, जो एप्स की ओपनिंग है, वो काफी ज्यादा तेज है, काफी क्विक है। मैं काफी एक्साइटेड हूं, मैं भी मैं इस फोन का जो डिटेल के अंदर फुल पबजी रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन ओवरऑल इस वक्त जो मुझे परफॉर्मेंस फील हो रही है वो काफी ज्यादा डिसेंट फील हो रही है। तो प्रोसेसर के मामले के अंदर भी डेफिनेटली एक लेवल अप हुआ ही है। अगर हम बात करते हैं बैटरी की, तो इसके अंदर में प्रोवाइड की गई है 5000mAh की बैटरी, साथ में 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। अब आप लोग सोच रहे हो कि यहां पर तो कोई लेवल अप हुआ नहीं है, लेकिन लेवल अप इस तरह हुआ है कि आप लोगों को इसके अंदर 9 वाट की जो रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट है वो भी देखने को मिल जाएगी, मतलब आप लोग इसके साथ किसी और डिवाइस को भी चार्ज कर सकोगे। तो ये वाली वो सारी चीज़ें जिसके अंदर Xiaomi ने इसके अंदर लेवल अप किया चीज़ों को। इसके अलावा इसके अंदर में जो सिम ट्रे मिलती है वो आप लोगों को डेडिकेटेड मिल जाती है, मतलब कि आप लोग डुअल सिम के साथ इसके अंदर मेमोरी कार्ड को भी डाल सकोगे। MIUI 12.5 की अपडेट आपको बिल्ड इन ही मिलती है, मतलब कि इन द बॉक्स ही मिलती है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव लग रहा है, काफ़ी क्विक लग रहा है। इसके अंदर मुझे वो कोई मसला नजर नहीं आ रहा जो कि पहले MIUI 12 सिंपल के अंदर था। तो इसको भी हम लोग डिटेल के अंदर चेकआउट करेंगे, मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में डेफिनेटली शेयर करूंगा। जहां तक बात है एंड्रॉइड के वर्जन की, तो इसके अंदर में एंड्रॉइड 11 प्रोवाइड किया गया। अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी और प्राइवेसी की, तो इसके अंदर में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोवाइड किया गया, जिसकी परफॉर्मेंस मुझे काफी ज्यादा क्विक लग रही है, और फ्रंट के ऊपर में फेस आईडी का ऑप्शन भी मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा अगेन फास्टली काम कर रहा है। तो मेनली तौर पर अगर हम लोग इस फोन के ऊपर ओवरऑल देखते हैं ना, तो इसकी जो प्राइस है वो काफी Xiaomi ने एग्रेसिव रखी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि Xiaomi के फोन पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट होते हैं, उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगता है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग इसको Redmi 9 के साथ कंपेयर करते हैं, डिस्प्ले के अंदर लेवल अप है, बैटरी के अंदर लेवल अप है, कैमरा के अंदर लेवल अप है, मतलब कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, सारी सारी चीज़ों के अंदर लेवल अप किया गया है। अभी स्मार्टफोन को मैं डिटेल के अंदर टेस्ट करूंगा, तभी मैं आपको एक्चुअल में मेरा वर्डिक्ट दे सकूंगा कि भाई एक्चुअल में ये फोन के अंदर हमें जो चीज़ें लेवल अप करके दी गई हैं क्या वो अपने आप को जस्टिफाई करती हैं या फिर नहीं करती। तो अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन स्मार्टफोन के रिलेटेड आप लोग पूछ लीजिएगा, आपके जितने भी क्वेश्चन उनको मैं कवर करूंगा। इस वीडियो को खत्म करते जाने से पहले आप लोग नीचे कमेंट्स करना, लाजमी तौर पर बताइएगा कि भाई आप लोगों को लेवल अप जो Xiaomi ने किया ये कैसा लगा। जाने से पहले वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, चैनल के ऊपर नया सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।